डरते तो वो लोग हैं जो मरने के बाद भी जमीन में मुंह छुपा लेते हैं। अरे हम तो हिंदू हैं, हम तो सनातनी हैं, जो मरने के बाद भी आग से खेल जाते हैं। हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म हमको कट्टरवादी नहीं बल्कि बाहुबली बना देता है। हर हर महादेव। मंदिर, जनेऊ, टीका है सर्वोपरि। अब तो टोपी पहनने वाले भी बोल रहे हैं हरी 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 हरी। दोस्तों, जब मंदिर निर्माण की बात होती है तो हम सभी सनातनी भाइयों का दिल खुशी से भर उठता है। हम खुशी में झूम उठते हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे मंदिरों को टूटते हुए देखा है। उन मुगलों ने न जाने कितने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दिया था, ये बात इतिहास चिल्ला चिल्ला कर बताता है। दोस्तों, ये खबर सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। आपको पता है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है, जिसके बारे में दुनिया के सभी लोग जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा एक मंदिर बन रहा है? अभी इस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, बहुत जल्द कार्य पूर्ण होने की संभावना जताई जा रही है। तो कौन सा है वो मंदिर और भारत के किस शहर में बन रहा है ये मंदिर, जानेंगे। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा के वृंदावन में इतिहास रचने जा रहा है। यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर बनने जा रहा है। ये मंदिर जितना ऊंचा होगा उतना ही भव्य और सुंदर भी होगा। भगवान कृष्ण के इस मंदिर का नाम चंद्रोदय मंदिर रखा गया है। बताया जा रहा है कि यह मंदिर कुतुब मीनार से 3 गुना अधिक ऊंचा होगा। इतना ही नहीं, इस मंदिर की नींव दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से भी 3 गुना ज्यादा गहरी होगी। दोस्तों, आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में कुछ तथ्य, जिसे जानकर आपको खुशी होगी। चंद्रोदय मंदिर के निर्माण की शुरुआत जन्माष्टमी के दिन हुई थी। जी हाँ, साल 2014 में इसका निर्माण इस्कॉन करवा रहा है और इसे एक पिरामिड के आकार में बनाया जा रहा है। मंदिर की स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग अमेरिका की स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कंपनी थॉर्नोट टोमासिटी से कराई गई है। मंदिर के निर्माण का जिम्मा गुड़गांव और नोएडा की कंपनी को सौंपा गया है। इस मंदिर की ऊंचाई 210 मीटर होगी, जो कि कुतुब मीनार का 3 गुना है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। माना जा रहा है कि इसकी चोटी से आगरा स्थित ताजमहल का दीदार भी किया जा सकेगा। मंदिर की इमारत लगभग 55 मीटर गहरी होगी और इसका आधार 12 मीटर तक ऊंचा होगा। मंदिर का ढांचा 500 से अधिक स्तंभों पर खड़ा होगा। दुबई स्थित दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की गहराई मात्र 50 मीटर है। चंद्रोदय मंदिर की गहराई बुर्ज खलीफा से ज्यादा गहरी होगी। यह मंदिर 200 सालों में अब तक का सबसे मॉडर्न मंदिर होगा। इस मंदिर में बनाए जाने वाले पार्क में 4D तकनीक के जरिए श्रद्धालुओं को भगवान श्री कृष्ण की अनगिनत लीलाओं के बारे में बताया जाएगा। मंदिर के आसपास प्राकृतिक वनों का वातावरण तैयार किया जा रहा है और यमुना जी का प्रतिरूप तैयार कर नौका विहार जैसी सुविधाएं भी यहाँ पर उपस्थित होंगी। दोस्तों, आप जानकर चौंक जाएंगे कि यह मंदिर 70 मंजिला तक बनेगा। 70 मंजिला इस इमारत के शुरुआती 3 तलों पर चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण बलराम के मंदिर के अलावा अन्य तलों पर आगंतुकों के लिए गैलरी, टेलीस्कोप सुविधा और अन्य सुविधाएं होंगी। 70 मंजिला मंदिर का मतलब है कि इसमें लिफ्ट की सुविधा भी होगी। मंदिर में लगाई जाने वाली लिफ्ट की तीव्रता 8 मीटर प्रति 2 सेकंड होगी। साथ ही इमारत के टेढ़ा होने पर भी यह सीधी ही चलेगी। मंदिर को बनाने के लिए 1000 मजदूरों को लगाया गया है। 10 एकड़ में मंदिर की अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई जाएगी। माना जा रहा है कि ये साल 2024 के अंत तक चंद्रोदय मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद मंदिर को लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, बिल्कुल हमारे अयोध्या के मंदिर की तरह। दोस्तों, भगवान श्री राम पहले आए थे, इसलिए उनके मंदिर का निर्माण पहले किया गया। जी हाँ, अयोध्या के मंदिर का। लेकिन अब बारी है भगवान श्री कृष्णा के मंदिर की। मंदिर के आसपास हरियाली का खासा ध्यान रखा गया है। मंदिर के चारों तरफ से जंगल कवर रहेगा। कुल मिलाकर 12 वन होंगे, जिनमें खजूर के वन, वट वृक्ष के वन,
तुलसी का वन और निधिवन आदि होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें तो इंतजार है कि मंदिर बनकर जल्द तैयार हो और हम भगवान कृष्ण के दर्शन कर पाएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।